दोस्तों, आप लोगों ने अमेजन से तो बहुत सारे शॉपिंग्स किए ही होंगे, लेकिन क्या आप लोग को पता है कि अमेजन दुनिया के $1 ट्रिलियन कंपनीज में से एक है, और उसकी जो सीईओ और फाउंडर हैं मिस्टर जेफ बेजोस, वो दुनिया के सबसे रिचेस्ट इंसान हैं। लेकिन दोस्तों, इस अमेजन के बारे में कई सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जो शायद ही आप लोगों को पता होगा। तो दोस्तों, क्या आप लोग को पता है कि जो जेफ बेजोस हैं, उन्होंने अमेजन की शुरुआत अपने घर के गैरेज से की थी, और उसी गैरेज से उन्होंने किताब को ऑनलाइन बेचने का बिजनेस चालू किया, और देखते ही देखते ये दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी बन गई। और दोस्तों, इस कंपनी का सक्सेस का जो मेन रीजन था, वो था कि ये दुनिया की सबसे ज़्यादा कस्टमर सेंट्रिक कंपनी है, और इसका मतलब ये है कि अपने से पहले अपने कस्टमर का सोचना। और दोस्तों, अमेजन के सक्सेस में ये चीज़ बहुत ही अच्छी तरीके से देखी जा सकती है। और हम अगर बात करें अमेजन के पास्ट के बारे में, तो जेफ बेजोस जब इस कंपनी को बना रहे थे, तब इसका नाम कैडबरा रखने वाले थे, लेकिन बाद में इसको हटा दिया गया और वो लोग अमेजन पे आ गए। दोस्तों, amazon.com रखने का मेन मकसद ये था कि वो अमेजन के साथ एक टैग लाइन को जोड़ सकते थे, जैसे कि amazon.com अर्थ्स बिगेस्ट बुक स्टोर। दोस्तों, इसका नाम amazon.com रखने का और भी एक रीजन था, क्योंकि दोस्तों उस समय जब वेबसाइट्स की रैंकिंग होती थी, वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से ही होती थी। तो अगर कोई वेबसाइट सर्च करता था, तो उसे सबसे पहले ए वाले अल्फाबेट्स देखने को मिलते थे। और दोस्तों, इसीलिए इस कंपनी का नाम ए से स्टार्ट करके अमेजन कर दिया गया। दोस्तों, अगर आप लोगों ने कभी अमेजन के लोगों को ध्यान से देखोगे, तो उसके नीचे एक स्माइल का एरो दिखने को मिलेगा, जो कि ए से जेड तक जाता है, और इसका मतलब ये है कि चाहे आप दुनिया भर में कहीं भी हो, लेकिन अमेजन आप तक कोई भी प्रोडक्ट पहुंचा सकता है। दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि जितने भी अमेजन के एम्प्लॉय होते हैं, उन्हें हर 2 साल के अंदर 2 दिन कस्टमर सर्विस के डेस्क के ऊपर बैठना पड़ता है। यानी कि दोस्तों, कोई अगर अमेजन पे एम्प्लॉय है, तो उसे 2 साल के अंदर 2 दिन कस्टमर सर्विस की जॉब करनी पड़ेगी। और यहाँ तक कि इसके सीईओ खुद जेफ बेजोस भी कस्टमर सर्विस की नौकरी 2 दिन के लिए करते हैं। दोस्तों, ऐसा करने की मेन रीजन ये है कि सारे लोग कस्टमर के इम्पोर्टेंस को समझ सकें। दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है, जब अमेजन गैरेज से उठकर एक छोटी ऑफिस में चली गई थी, तब वहाँ पे कुछ ही एम्प्लॉयज काम करते थे। दोस्तों, अमेजन के ऑफिस में एक बेल लगी होती थी, और जब भी कोई अमेजन से कुछ ऑर्डर करता है, तब उस एम्प्लॉय ने उस बेल को बजा देता है, जिससे कि ये पता चलता है अमेजन की वेबसाइट से किसी ने कुछ ऑर्डर किया है। और अगर आज के टाइम में अमेजन फिर से ऐसा करने लगेगा, तो पता नहीं कितनी घंटियाँ उनके ऑफिस में बजने लगेगी। एक बार अमेजन के वेबसाइट में एक प्रोग्रामिंग एरर आ गई थी। इसका मतलब यह है कि दोस्तों, जो कस्टमर के बैंक अकाउंट था, उसमें अमेजन के अकाउंट से पैसा आने लगता था, और जिसे बाद में सॉल्व कर दिया गया। दोस्तों, जो अमेजन है, वो 2013 में डाउन हो गई थी, और वो भी 40 मिनट के लिए। लेकिन दोस्तों, उस 40 मिनट के अंदर उन्हें $4.8 मिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। तो दोस्तों, अगर आप अमेजन के बारे में और डीपली जानना चाहते हो, तो नीचे बॉक्स में कमेंट करें। और अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।